मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है फोर टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। धारवाड़ इमारत हादसा, रक्षा टुकड़ियों का आभार प्रकट किया जिला अधिकारी ने। पिछले मंगलवार को धारवाड़ के कुमारेश्वर नगर में बन रही 5 मंजिला इमारत गिर जाने से कुल 19 लोग हलाक हुए और मलबे में दबे 57 लोगों को बचा लिया गया। 7 दिन तक दिन रात लगातार चले इस बचाव कार्य में शामिल हुए NDRF, SDRF, अग्निशामक दलों की सराहना करते हुए स्थानीय जनता का भी अभिनंदन किया जिला अधिकारी दीपा चोलन ने। JDS वरिष्ठ देवेगौड़ा ने भरा नाम पत्र। हमेशा हासन से लड़ने वाले देवेगौड़ा ने इस बार अपने पोते के लिए हासन की सीट छोड़ दी और गठबंधन के तहत मिले तुमकुर मत क्षेत्र से कल अपना नाम पत्र भरा। इस मौके पर उनके साथ साझा सरकार के DCM जी परमेश्वर, पूर्व विधायक यस रफीक अहमद सहित देवेगौड़ा जी की पत्नी चन्नम्मा भी साथ रही। गठबंधन के अनुसार ये क्षेत्र JDS को जाने की वजह से यहां के हाली कांग्रेस MP मुद्दन नेमेगौड़ा ने कांग्रेस से बगावत करके आजाद उम्मीदवार के तौर पर नाम पत्र भरा है। मंडिया से CM के बेटे निखिल कुमार स्वामी ने भरा नाम पत्र। कल अपने लाखों अभिमानियों के साथ बड़ी रैली में पटाखे उड़ाते हुए DJ के धुन पर थिरकते हुए अभिमानियों ने निखिल की जय जयकार करते हुए करीब 2:40 पर निखिल ने कांग्रेस के DK शिवकुमार, मां अनीता कुमार स्वामी के साथ नाम पत्र भरा। घर को लगी आग घर के चिराग से। बेंगलुरु जिला नेलमंगला तालुका के मल्लार बनवाड़ी ग्राम की घटना है ये। घर में पूजा की मूर्ति के सामने लगाए गए दिए से आग लगकर लाखों का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि आधुनिक तौर से 16 करोड़ खर्च करके मागड़ी के BJP अध्यक्ष रंगधामैया ने अपना ये घर बनवाया था, जिसमें आग लगकर सनसनी फैल गई है। बेंगलुरु सेंट्रल से कांग्रेस के रिजवान अरशद ने भरा नाम पत्र। कल 2019 लोकसभा चुनाव के लिए बेंगलुरु सेंट्रल से एक बड़ी रैली में कांग्रेस उम्मीदवार रिजवान अरशद ने अपना नाम पत्र दाखिल किया। इस मौके पर बात करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 10 साल से BJP सांसद रहे हैं, इस बार जनता बदलाव चाहती है और जनता से निवेदन किया कि सेवा का मौका दें। इस अवसर पर सचिव जमीर अहमद खान सहित हजारों समर्थक कार्यकर्ता इस रैली में शामिल रहे। कलबुर्गी में कमल खिलाने का विश्वास जताया डॉक्टर उमेश जाधव ने। कलबुर्गी के बहुत सारे कांग्रेस नायक कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल हुए हैं, इससे मेरी जीत की उम्मीद और बड़ी है, कहा उमेश जाधव ने। इस्तीफे को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि कल स्पीकर ने मेरा बयान लिया है, फैसला मेरे हक में आएगा, कहा जाधव ने। पूर्व MP शिवन्ना कांग्रेस में शामिल। चामराज के पत्रिका भवन में आयोजित एक प्रेस मीट में बात करते हुए पूर्व लोकसभा सदस्य शिवन्ना ने बताया कि मोदी के नेतृत्व में जनता का भला होगा, ऐसा सोचकर मैं BJP में शामिल हुआ था, मगर अब यहां दम घुट रहा है। येडियुरप्पा भी मजबूर हैं, मेरे समाज पर हो रहे अन्याय को देखकर मैं आज कांग्रेस में शामिल हो रहा हूँ, कहा शिवन्ना ने। जमीन विवाद महिला का कत्ल, आरोपी गिरफ्तार। ये घटना चिकबल्लापुर जिला शिडलघट्टा तालुका के शेट्टीहल्ली में घटी है। जमीन को लेकर हुए विवाद से शेट्टीहल्ली ग्राम के नागराज नामक व्यक्ति की पहली पत्नी चंद्रकला को आरोपी गोविंद राज ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके चलते मौके पर ही चंद्रकला की मौत हो गई और दूसरी पत्नी गिरजा बुरी तरह से जख्मी हुई है, जिसके चलते अस्पताल में पहुंचाया गया है। DYSP श्रीनिवास और CPI आनंद मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला शिडलघट्टा पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस।